बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज और अमेज़न का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डे जो है वो कब शुरू होने वाला है, मतलब जो डेट है वो कौन सा होने वाला है, क्या सितंबर के महीने में होगा, क्या अक्टूबर के महीने से स्टार्ट होगा। आज के वीडियो में हम लोग डेट रिवील करने वाले हैं। जी हाँ, मेरे पास जो डेट है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल या फिर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल, कितना दिन चलेगा, क्या क्या है, सब कुछ मेरे पास अभी अवेलेबल है। ये जो डेटा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप भी अगर इस सेल के लिए एक्साइटेड हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेक्निकल प्रोडक्ट्स आर सेलिंग इन 80% डिस्काउंट, प्रोबेबली 80-60% डिस्काउंट तो मिलता ही है, भाई साल का सबसे बड़ा सेल है। तो इस सेल के लिए कौन कौन वेट कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कहां से वीडियो देख रहे हो वो भी आप शेयर कर सकते हो। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दो, चाहे व्हाट्सएप हो जाए, फेसबुक हो जाए, आपके एक शेयर से हमारा एनर्जी बनता है अगले दिन वीडियो बनाने का। रिसेंटली 24 आवर्स के अंदर में एक स्क्रीनशॉट लीक हो गया था, मतलब मेरे पास भी आया है, गूगल के अंदर बिग बिलियन डे फेस्टिवल 2024 जो कि फ्लिपकार्ट में होने वाला है, इसका डेट जो है वो रिवील हो गया था। अभी करंटली आप जाके ढूंढोगे तो आपको मे बी नहीं भी मिल सकता है, लेकिन मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूं जहां पे क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है, द बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट्स फ्रॉम 29th सितंबर ऑफ 2024। अब ये जो है इस बार थोड़ा आगे होने वाला है, मतलब दशहरा से पहले होता है ये सेल, सो दुर्गा पूजा, मतलब दुर्गा पूजा से पहले ये सेल हो जाता है, उसके बाद दशहरा दुर्गा पूजा के अंदर सेल होता है। सो इस बार दुर्गा पूजा या फिर दशहरा अगर आप देखो तो अक्टूबर के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर में होने वाला है, इसका मतलब ये है कि उससे 15-10 दिन पहले ये सेल होगा इंडिया पे। अब डेट जो है वो भी कंफर्म हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया लीक हो गया था। ऑफिशियल जो ट्रेलर या फिर ऑफिशियल बैनर जो है वो भी मेरे पास है, मैं आपको अभी चेकआउट करा रहा हूँ, चेक कर सकते हो। ये 30 सितंबर से इस सेल को शुरू किया जाएगा। 29th ऑफ सितंबर जो था वो अर्ली एक्सेस सेल था, मतलब रात 12 बजे से 27th ऑफ सितंबर से ये सेल जो है शुरू हो जाएगा, मतलब अर्ली एक्सेस प्राइम मेंबर्स के लिए। ये सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए 29th ऑफ सितंबर में होगा, बाकी 30 सितंबर से मतलब इस महीने के एंड से ये सेल शुरू होने वाला है। अब ये सेल कितना दिन लॉन्ग टर्म तक चलेगा वो सब कुछ बात करेंगे, लेकिन Amazon के बारे में उससे पहले बात कर लेते हैं। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2024 कौन से डेट में स्टार्ट होने वाला है। अब देखो ये जो फ्लिपकार्ट है ना, इस बार चालाकी कर दिया, इससे पहले Amazon ने अपना ग्रेट इंडियन फेस्टिवल बैनर जो है उसको सबसे पहले दिया था, अब फ्लिपकार्ट ने क्या किया, तुरंत ही उसी डेट में या फिर एक दिन बाद से वो लोग अपना बीबीडी सेल स्टार्ट कर दिए। सो ऐसा इस बार पहली बार हुआ है कि Amazon ने अभी तक डेट रिवील किया ही नहीं, तो फ्लिपकार्ट ने बोला कि भाई चलो हम इस बार खेलेंगे, इस साल में सबसे पहले हम लोग डेट जो है उसको लीक करेंगे। अब हो सकता है इस बार Amazon फ्लिपकार्ट को देखकर जो डेट है उसको फिक्स करे, बट मुझे जितना तक खबर है अक्टूबर के 1 तारीख से Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होने वाला है। पुरानी हिसाब किताब को अगर आप देखते हो निखार कर, तो भाई एक ही चीज उठ के आता है कि 9 से 7 दिन तक ये सेल जो है होते हैं। पिछले साल अगर आप देखते हो 2023 में 9 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक ये जो सेल था ये चला था, बट इस बार हो सकता है ये जो सेल है ये थोड़ा सा ज्यादा खींच दे, बिकॉज 29 तारीख से तो ये स्टार्ट हो रहा है, 29 सितंबर से लेके ये अक्टूबर के 1 वीक तक हो सकता है, मतलब 10 तारीख तक हो सकता है या फिर 7 तारीख के आसपास हो सकता है। सेल खत्म होने का डेट रिवील ये लोग नहीं करते हैं, देखते हैं कौन सा कैसा रिस्पांस आ रहा है, कैसा सेल हो रहा है, तो उसके मुताबिक ये सेल जो है ये स्टार्ट होता है। अब एक चीजें भी रहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ इनके कुछ टाई अप रहते हैं, तो एक डेट दिया जाता है उसके अंदर ही बैंक टाई अप होते हैं, तो ऐसे सेल में डिस्काउंट बैंक देते हैं, ऐसा नहीं कि 15-16 दिन तक ऐसे लंबा खींच देंगे, ऐसा सेल नहीं होता है। पिछले साल 70% मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अप टू मिल गया था, चाहे वो स्मार्टफोन हो जाए, चाहे वो बिग अप्लायंसेस हो जाए, लाइक टीवी, एसी, फ्रिज, कुछ भी आप परचेस करो, तो बीबीडी सेल, Amazon ग्रेट इंडियन डे सेल में बहुत ही ज्यादा सेल हुआ था, ऐसा डिस्काउंट साल में एक बार ही मिलता है। तो इसके लिए क्या करना है, वेट करना है हम लोगों को। अब मैं फटाफट से आपको बीबीटी सेल के अंदर मिलने वाले कुछ एप्पल आईफोन्स के प्राइस जो होने वाले रिवेल उनके बारे में बात करा देता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है, वो चीज आपको बैनर में धीरे धीरे देखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑफिशियली शेयर कर देता हूं। अब बैंक कार्ड के बारे में बात की जाए तो इस सेल के अंदर में 3 प्रोबेबली ऐसे बैंक है वो कि आपको बीबीटी सेल के अंदर जो डिस्काउंट है वो प्रोवाइड करने वाले है। फर्स्ट जो बैंक है वो आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा जो है एक्सिस बैंक, एंड तीसरे नंबर का जो बैंक है वो कोटक बैंक है। अब इन बैंक्स के अंदर में मोस्ट प्रोबेबली इस सेल के अंदर आपको डेबिट कार्ड डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में 110% डिस्काउंट जो है ये तीनों बैंक आपको देने वाले हैं। वही सिमिलर चीज जो है Amazon के साथ भी होने वाला है। अब Amazon पे सब कुछ फिक्स तो नहीं हुआ है, लेकिन Amazon के अंदर 110% SBI बैंक और HDFC बैंक का जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट है वो 2024 के सेल में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट आईफोन के बारे में बात की जाए जो कि बीबीडी सेल के अंदर आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलने वाले हैं। तो पिछले साल के रिकॉर्ड्स अगर
हम लोग इस टाइम पे उठा के देखते हैं तो पिछले साल 36,000 रुपए के आसपास में आईफोन 12 जो है वो सेल हो रहा था। हम लोग आईफोन 11 को स्किप करेंगे बिकॉज वो 2019 में लॉन्च हुआ है और आज से करीबन 4-5 साल पुराना तो है और उसे लेने का कोई भी मतलब ही नहीं होता बिकॉज दिस इज अ 4G स्मार्टफोन एंड उसमें आपको रेटिना डिस्प्ले भी देखने को नहीं और HD का स्क्रीन है जो कि आज के टाइम पे चलता ही नहीं। 11 को हम लोग स्किप करके 12 की तरफ अगर देखें तो इस साल में बैंक ओवर लगा के अगर आप नॉर्मली आईफोन 12 परचेस करने जाते हो तो आपको करीबन 30,000 रुपया पे करना पड़ेगा। जी हाँ, इतना अच्छा डिस्काउंट जो है वो आपको 2024 के इस BBD सेल के अंदर आईफोन 12 में मिलने वाला है। ऑलराइट, इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज आईफोन 12 जो है वैल्यू फॉर मनी मैं नहीं कहता हूँ बट प्राइस के हिसाब से देखा जाए आईफोन है भाई और इसमें आपको एटलीस्ट 5G तो मिल जा रहा है। चलो ठीक है, इसके बाद जो इसके अपर वाला वेरियंट है आईफोन 13 जो कि पिछले साल बहुत ही ज्यादा क्रेज हुआ था इस फोन को लेकर 47,000 45,000 43,000 तक इसका प्राइस जो है ऑफर वगैरह लगाने के बाद हम लोग परचेस कर रहे थे। सो इस साल अगर देखा जाए आप अगर डिस्काउंट वगैरह लगाते हो तो ऑलमोस्ट अप टू ये आपको 35,000 to 36,000 रुपीज के आसपास में मिल जाएगा और इस साल में आईफोन 13 लेने का सबसे सुनहरा मौका है। इसको जरूर चेकआउट करना जो लोग आईफोन के लिए वेट कर रहे हो। BBD सेल इज द बेस्ट सेल फॉर यू। नेक्स्ट जो फोन है आईफोन 14, इसका सक्सेसर मॉडल, इसके तरफ भी आपको देखना चाहिए क्योंकि ये फोन्स वैल्यू फॉर मनी फोन्स होते हैं। अगर प्रो मॉडल पे जाते हो तो वो प्रोफेशनल लाइक कोई लेता है उनके लिए बेस्ट होता है लेकिन शो ऑफ के लिए मुझे नहीं लगता वो प्रो मॉडल पे आपको खर्चा करना चाहिए। आईफोन 14 जो था पिछले साल इस फोन का प्राइस 50,000 रुपीज के आसपास में था बट इस साल में ऑफर वगैरह लगा कि आपको BBD सेल या फिर Amazon सेल के अंदर में 43,000-44,000 रुपीज के आसपास में देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही बेस्ट डील है, 50,000 के अंदर में आईफोन 14 बेस्ट डील हो सकता है आपके लिए। इसका जो बड़ा भाई आईफोन 14 प्लस, इसका प्राइस करीबन 56,000-57,000 रुपीज के आसपास में था बट इस साल ऑफर में ये जो फोन है और भी सस्ते प्राइस में आपको मिल जाएंगे। करीबन ये फोन आपको 53,000-54,000 रुपीज के आसपास में देखने को मिलेगा। आईफोन 14 प्लस के लिए भी आप वेट कर सकते हो। ये 60,000-70,000 रुपया के फोन कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता है इस सेल के अंदर वैल्यू फॉर मनी में आपको मिलते हैं। ओके, तो इस साल का सबसे बड़ा जो डील होने वाला है, मतलब आपको पता है एक जनरेशन पुराना जो फोन होता है वो BBD या फिर Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में सबसे ज्यादा डिस्काउंट में मिलता है। तो इस साल में आईफोन 15 को सबसे बढ़िया डिस्काउंट में लिस्टिंग करेगा और वो बैनर जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा Amazon Flipkart के अंदर में। ये जो फोन होने वाला है ना आईफोन 15, ये सबसे धमाकेदार डील के साथ आपको मिलने वाला है। पिछले साल आईफोन 14 में डील चल रहा था, उससे पहले साल में आईफोन 13 में डील चल रहा था। आपको पता है अभी आईफोन 16 भी लॉन्च होने वाला है 10 September को, जो डेट है कैलिफोर्निया में सेट हुआ है। तो इस सेल के अंदर 15 को शोकेस करेंगे इस सेल में और ये फोन आपको 49,000 रुपया में देखने को मिल जाएगा। 49,000 to 50,000 के अंदर में आईफोन 15 विद डायनामिक आईलैंड आपको देखने को मिलेगा और मुझे नहीं लगता है इस ऑफर को आपको गवाना चाहिए बिकॉज ये सबसे ज्यादा सुनहरा मौका है एक 80,000-70,000 के फोन को 50,000 में परचेज करने का। एज वेल एज 15 प्लस जो है वो आपको 60,000 रुपया के आसपास में देखने को मिल सकता है बट इसके बारे में उतना मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन जितने भी आईफोन्स मैंने आपको बताया ये एकदम सटीक प्राइस के अंदर इस सेल में आपको देखने को मिलेगा। वेल, इसके लिए आप वेट कर सकते हो, Amazon का डेट जो है वो भी बहुत जल्दी रिवील हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया Flipkart ने इस बार पहली बार स्टार्ट किया है तो Amazon भी अपना डेट जो है Flipkart के अकॉर्डिंग रिवील करेगा। पिछले साल कुछ अलग हुआ था, Amazon ने डेट फिक्स किया फिर Flipkart ने उसको देखते हुए अपना डेट फिक्स कर दिया था लेकिन इस साल Flipkart ने बोला कि चलो भाई हम लोग पहले डेट फिक्स करेंगे। तो ऐसा ही कुछ खेल हो रहा है। अभी BBD सेल 29 सितंबर से चालू हो रहा है, जो लोग प्राइम मेंबरशिप इस्तेमाल करते हो उन लोगों को रात 12 बजे 28 तारीख से ये जो सेल है देखने को मिल जाएगा। पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आप आईफोन परचेस करने वाले हो या फिर कौन से प्रोडक्ट के लिए आप इस सेल के लिए वेट कर रहे हो, ये चीज जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर लेना।